6 वर्स का 2:5-8 हम मरकुस के छठे अध्याय के 35 वचन को पढ़ेंगे मरकुस 6 के 5 को हम पढ़ेंगे जब दिन बहुत डल गया तो उसके चेले उसके पास आए और कहने लगे यह स्थान सुनसान है और दिन बहुत डल चुका है Though we are not going deep today in this verses, और इन वचनों में हम आज उतना गहराई में नहीं जाने वाले we will see somewhat outline of this, और हम कुछ उसके संदेश को देखेंगे Chapter 6, verse 35, we read, the day is far spent. और 6 के 35 में हम पढ़ते कि दिन बीत चुका When the people came in the wilderness to hear God's word, जब लोग मरुभूमि में परमेश्वर का वचन सुनने आए थे they were all sitting in the wilderness hearing the word of God. वो सब मरुभूमि में परमेश्वर के वचन को सुनते बैठे थे From morning to evening, the Lord was talking to them. सुबह से शाम तक प्रभु उनसे बात कर रहे थे Now in chapter 6, verse 35, लेकिन अब 6 के 35 वचन में the disciples came to Jesus Christ. शिष्य यीशु मसीह के पास आए थे so one of the disciples, I said, Peter. उनमें से एक पत्रस था Peter must have come to Jesus Christ. पत्रस ने शायद यीशु मसीह के पास आया होगा He must have told Jesus, excuse me. और कहा होगा कि यीशु थोड़ा ध्यान दो Because the Lord was continuing क्योंकि प्रभु निरंतर सिखा रहे थे But in between this Peter tried to talk to Jesus. लेकिन उसके बीच में पत्रस ने यीशु से बात करने की कोशिश की disciples also tried to talk to Jesus. और बाकी शिष्यों भी उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे what the disciple is telling now here. और अब शिष्य यहाँ क्या कह रहे थे time became very late. और अब समय बहुत देरी हो चुका the day is far spent. और दिन बहुत बीत चुका now we cannot do anything. और अब हम कुछ नहीं कर सकते We have to send them to the villages. हमें उन्हें गांवों में भेजना है Sometimes in our life we think like this. कुछ समय हमारे जीवन में हम ऐसे सोचते हैं Oh, now it is too late, we cannot do anything. कि अब बहुत देर हो चुका हम कुछ कर नहीं सकते हैं Time is gone, years are gone, like that we are thinking. समय बीत गया वर्ष बीत गया हम ऐसे सोचते हैं We think it is too late, but it is not too late for God. हम सोचते कि बहुत देर हो चुका लेकिन प्रभु के लिए देर नहीं होगा God can do wonder even in the last प्रभु आखिरी क्षण में भी अद्भुत कर सकता और शायद डॉक्टर कहेंगे कि बहुत देर हो चुका और भी शायद कुछ लोग कह सकते कि बहुत देर हो चुका हम मदद नहीं कर सकते और चेले यीशु के पास आए और कहने लगे कि अब बहुत देर हो चुका हम कुछ नहीं कर सकते हमारा परिस्थिति ऐसे हो सकता है स्टार्टिंग business जब हम व्यापार का शुरुआत करते हैं or trying to get a job या नौकरी ढूंढते हैं trying to study in a college या कोई कॉलेज में पढ़ने देखते हैं whatever you are trying you may be thinking now it is too late चाहे जो कुछ आप कोशिश करें आप सोच रहे हैं कि बहुत देर हो चुका even in such a situation the Lord can work in our life लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है time may be too late for us but it is not too late for the Lord हमारे लिए शायद समय बहुत हो चुका होगा लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं that was the first complaint the disciple told it is already too late the time is gone और शिष्य का पहला शिकायत ये था कि समय बहुत हो चुका अब हम कुछ नहीं कर सकते God is telling still time is there in your life लेकिन प्रभु कहते हैं कि आपके जीवन में अभी भी समय है and in the same verse that we follow we read उसी 35 वचन में हम पढ़ते हैं first complaint was about the time पहला शिकायत समय के बारे में the second complaint was about the place और दूसरा शिकायत उस जगह के बारे में in verse 35 what the disciples are telling now और 35 वचन में अब चेले क्या कह रहे थे place where we are it is wilderness जिस जगह में हम कह रहे हो जंगल या मरुभूमि है we are sitting in the desert what you are doing हम मरुभूमि में रह रहे हैं आप क्या कर रहे हो I'm looking the place is not good इसलिए उस स्थान को देख रहे थे कि वो अच्छा नहीं है where they are staying where they are already abiding that place was not good जिस जगह पे वो ठहरे थे वो जगह अच्छा नहीं था first complaint was about the time पहला शिकायत समय के बारे में था the second complaint was about the place और दूसरा शिकायत उस जगह के बारे में there are some people I mean they shift many houses कुछ लोग हैं जो बहुत सारे घर बदलते हैं they are not satisfied लेकिन तृप्त या संतुष्ट नहीं होते हैं every alaya I mean 6 months they shift हर 6 महीने में वो बदलते रहते हैं they are not satisfied because they think the place is not good वो उससे तृप्त नहीं रहते क्योंकि वो सोचते हैं कि जगह अच्छा नहीं है but even in the desert the Lord is having plan
in our life. लेकिन हमारे जीवन में मरुभूमि में भी परमेश्वर का एक योजना है. How many with the purpose with the plan God has brought such place. और कितने लोग कह सकते हैं कि ऐसे जगह में परमेश्वर ने योजना के साथ लाया है. और लोग अपने आप वहाँ आए नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ने उन्हें लाया. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप भी खुद से नहीं आए थे, प्रभु ने आपको लाया है. जहाँ कहीं आप है, आप विश्वास करो कि वहाँ परमेश्वर का योजना है. जिस घर में आप रहते हैं वहाँ परमेश्वर की योजना है. जो व्यापार आप करते हैं उसमें परमेश्वर की योजना है. जो नौकरी आप करते हैं उसमें परमेश्वर का योजना है. जो सेवकाई आप कर रहे हैं उसमें परमेश्वर का योजना है. जिस कलीसिया में आराधना करते हैं उसमें परमेश्वर की योजना है. जहाँ पर आराधना करते हैं वहाँ परमेश्वर का बेहतर योजना है. प्रभु का धन्यवाद दो कि प्रभु समय के बारे में कोई शिकायत नहीं है और जगह के बारे में भी नहीं. कितने लोग कहते हैं कि समय के बारे में शिकायत नहीं और जगह के बारे में भी शिकायत नहीं. जहाँ कहीं मैं हूँ तो वहाँ है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं. हालेलुया. और इस बात को समझो कि किस कारण से परमेश्वर ने मरुभूमि में लाया. और उसका कारण ये था कि संसार के लोगों से उन्हें अलग करना. इसलिए परमेश्वर ने संसार से उन्हें थोड़ा अलग किया ताकि वो प्रभु के कहने पर ज्यादा महत्व दे सके और प्रभु से और अधिक समय बिता सके. इसलिए परमेश्वर हमें कोई कोने में रखता था कि हम आशीषित हो. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, एक बात आपको जानना है, कहाँ हमें परमेश्वर ने रखा है. वहाँ परमेश्वर की योजना आपके लिए है. इसलिए कुड़कुड़ाने के लिए जगह नहीं. आप हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते हो. मरकुस के छठे अध्याय के 36 वचन और मरकुस 6 के 36 में और तीसरी बात उन्होंने यीशु से कहा. इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं. They don't have anything. इनके पास कुछ नहीं. Nothing is there along with them. उनके पास कुछ नहीं. This is what the world is seeing you. और आज संसार भी हमें यही देखता है. When you come to Jesus Christ. जब आप यीशु मसीह में आए. Like the disciples, people are seeing. You have nothing in your hands. जैसे वो चेले देख रहे थे कि वो लोग भी आपको देखते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं. You have come to Jesus. आप यीशु के पास आए हैं. And you are hearing God's word. और प्रभु के वचन को सुनते हो. The people are seeing you have nothing, no blessing. लेकिन लोग देखते कि आपके पास कोई आशीष नहीं, आपके पास कुछ नहीं. लेकिन मैं आपसे कहूँ, जैसे लोग आपको देखते वैसे प्रभु आपको नहीं देखता. प्रभु आपको वैसा नहीं देखता जैसे लोग आपको देखते हैं. लोग ऐसे कहेंगे कि ये व्यक्ति तो 10 वर्ष से कलीसिया को जाता है, उसके पास क्या आशीष है. और ये स्त्री तो 15 वर्ष से कलीसिया जाती है, उसके पास क्या आशीष है. और उसके पास कुछ नहीं और वो खाली और निर्धन है. लेकिन आज आपके जीवन में परमेश्वर कुछ अलग देखता है. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह में आपके पास सब कुछ है. वो हमारा सब कुछ है. कितने लोग कहते हैं कि वो मेरे लिए सब कुछ है. अगर यीशु आपके साथ है, वो सारी चीजों से आपको भर देगा. वो सारे आशीषों से हमें भर देगा. कितने लोग कहते हैं कि जब यीशु मसीह मेरे पास है, मेरे पास जीवन में सब कुछ है. आप कह नहीं सकते कि मेरे पास नहीं है. लोग उनकी आंखों से देखेंगे, लेकिन आपके पास आत्मिक और वस्तु आशीष है, स्वर्गीय और पृथ्वी के आशीष है. इसलिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना है.
not empty earlier when you have come to Jesus Christ. आप खाली नहीं आते जब यीशु मसीह के पास आते हो. This is what even some servant of God is saying. और आजकल प्रभु के दास भी कुछ ऐसा ही देखते हैं. What the servant of God is doing? प्रभु के दास क्या करते हैं? If one rich man is coming to the church. अगर कलीसिया में कोई अमीर व्यक्ति आता है. If one rich woman is coming with more ornaments. या कोई अमीर स्त्री गहनों के साथ आती है. Or the pastor and devotee, they will give more important. Such और पासवान और सुसमाचारक ऐसे लोगों के साथ बहुत महत्व देते हैं. लेकिन जब वो देखते हैं कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं, तो उनका इनकार करते हैं और कुछ ज्यादा महत्व नहीं देते हैं. क्योंकि वो चाहते नहीं और क्योंकि वो कोई उपयोग का नहीं. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, लेकिन आप विश्वास करो कि कुछ समय के बाद प्रभु उन्हें भी आशीष करेगा और वो कलीसिया के लिए आशीष बनेंगे. क्या प्रभु से संभव है? ये प्रभु के साथ संभव है. जब एक निर्धन व्यक्ति कलीसिया में आता है, उसके जीवन में कोई आशीष नहीं होगा. लेकिन उनसे हमें प्रेम करना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है. प्रभु किसी को भी आशीष कर सकता है. अब हम 36 वचन में क्या पढ़ते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था. क्योंकि शिष्य ने देखा कि उनके पास कुछ नहीं था. उन्होंने प्रभु से ऐसे कहा कि आप उन्हें भेज दो. उन्होंने ये शब्द को यीशु से कहा कि आप उन्हें भेज दो. उन्होंने कहा कि हमने इन्हें निमंत्रण नहीं दिया, वो अपने आप आए थे. इसलिए उन्हें जाने दो और उन्हें जाने दो और यहाँ से जाने दो. हम उन्हें नहीं चाहते. और ऐसे लोगों को तो हमने नहीं बुलाया. यही बात शिष्य ने सोचा. और शिष्य ने सोचा कि इसका कोई सुझाव नहीं. क्योंकि करीबन 20,000 लोग थे और वो खाना नहीं दे पाते. और शिष्य के हाथों में कोई उसका जवाब नहीं था उस समस्या का. लेकिन हर समस्या का एक उत्तर परमेश्वर के हाथ में है. हमारा उत्तर परमेश्वर के हाथों में है. प्रभु उसे कर सकता है. हालेलुया. सिर्फ हमें प्रभु पर भरोसा करना है. The boy, these disciples were telling like this. फिर हम देखते कि शिष्य ने ऐसा क्यों कहा? Oh, let them take care about their problems. और प्रभु ने अपना तकलीफ को देखने दो. Let them take care of their problems. उन्हें अपना समस्या का सामना करने दो. Why should we go? हमें क्यों जाना है? Why should we help them? हमें क्यों मदद करना? We are already helpless. Why should we help them? हम तो पहले से मदद ही नहीं, लेकिन हम कैसे मदद करें? Hallelujah. जब हम सोचते हैं कि किसी के पास समस्या है, वो उसका समस्या ऐसा सोचते हैं. और उसका मदद मैं क्यों करूं ऐसा सोचते हैं. लेकिन प्रभु ऐसा कभी नहीं सोचता. जब कोई तकलीफ या समस्या में है, वो हमेशा मदद करने के लिए दौड़ता है. क्योंकि जितना हमारे पास दया उससे अधिक उसके पास है. प्रभु मेरे जीवन में सबसे बेहतर तू है. किसी भी व्यक्ति से बेहतर तू मेरे जीवन में है. क्योंकि प्रभु के पास दया है मदद करने को. लेकिन शिष्यों के पास दया नहीं थी. जीसस अंडरस्टूड देयर प्रॉब्लम्स. यीशु ने उनके समस्या को समझ लिया. जीसस अंडरस्टूड देयर नीड्स. यीशु उनके जरूरतों को समझ गए. द डिसिपल्स डिड नॉट रियलाइज, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स. लेकिन शिष्य उनके तकलीफ समस्या को नहीं समझ पाए. आई हैव सेड दैट आई नो देयर इज समबडी ऑलवेज knowing and realizing, understanding my problem, that is Jesus in my life. और ये लोग कहते हैं कि मेरे हर समस्या को जानने वाला और समझने वाला परमेश्वर यीशु है. He's always understanding your problem. वो हमेशा आपकी समस्या को समझता है. Before you tell him. आपके कहने से पहले. Before you pray. आपकी प्रार्थना करने से पहले. He knows what you need. वो जानते हैं आपकी क्या जरूरत है. वो जानते हैं कि आपका समस्या क्या है. हालेलुया. हालेलुया. और शिष्य ने कहा कि उनके पास कुछ नहीं, आप उन्हें भेज दो. Even the doctors will send.
और डॉक्टरों पे भेज देंगे डॉक्टर विल से इफ समबडी इज हैविंग एनी मेडिकल मेडिकल हेल्प अगर किसी के पास मेडिकल क्लेम होता है ही विल से डोंट गो अलग टुडे तो वो कहेगा कि आज मत जाओ टू डेज एडमिटेड देन यू गो और दो दिन अस्पताल में रहो फिर जाओ व्हाट इज देयर क्योंकि आपके पास क्या है मेडिकल क्लेम इज देयर मेडिकल क्लेम है और योर गॉड इज देयर प्रभु है ही कैन अलगेट टेक मोर मनी आउट ऑफ केयर और उससे आप ज्यादा धन को ले सकते हैं समथिंग इज हैविंग उसके पास कुछ तो है बट इफ यू गो एंड टेल द डॉक्टर लेकिन आप डॉक्टर के पास अगर जाकर कहे डॉक्टर आई डोंट हैव एनी चेहरा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बट यू ऑल योर क्लेम इज हेल्प मी लेकिन तू मेरी मदद कर डॉक्टर से देयर इज अनदर हॉस्पिटल वो डॉक्टर कहे कि दूसरा अस्पताल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल यू कैन गो देयर एक सरकारी अस्पताल है वहां आप जा सकते हो मैन इज ऑलवेज रिजेक्टिंग इफ यू डोंट हैव एनी अगर आपके पास कुछ नहीं तो मनुष्य आपका हमेशा इंकार करेगा गॉड इज लविंग यू लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है गॉड विल नेवर रिजेक्ट यू प्रभु आपका कभी इनकार नहीं करेगा वो आपसे प्रेम करता है बहन आपसे प्रेम करता है एंड ही इज हैविंग कंपैशन ओवर यू और आपके पास आपके ऊपर उसका दया है एंड चैप्टर 6 वर्स 37 में और मरकुस 6 के 37 में हम पढ़ते हैं व्हाट वी रीड द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 37 मरकुस 6 के 37 में हम क्या पढ़ते हैं जीसस टोल्ड द डिसिपल्स यीशु ने शिष्यों से कहा व्हाट जीसस टोल्ड उन्होंने क्या कहा यू फीड दिस पीपल और आप उन्हें खाना दो इंस्टेड ऑफ आई फीड देम और मैं खाना देने को छोड़ दूं यू फीड देम यू टेक केयर और यीशु ने कहा कि आप खिलाओ और आप देखो हालेलुया रब many times we are coming to jesus bahut samay hum yeshu ke paas aate hain lord you here you help me ki prabhu tu meri madad karo lord you help me tu mujhe changai you deliver me tu mujhe chutkara de is samasya se lekin aaj prabhu humse kehta why you are coming to me tu mere paas kyon aata ho तो उसे कर सकता हूँ कितने लोग कह सकते हैं कि हम कर सकते हैं प्रभु के पास दौड़ने को छोड़कर पहले से प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया पहले से प्रभु ने हमें अभिषेक दिया हम उसे कर सकते हैं और कितने लोग कह सकते हैं कि हम मदद कर सकते हैं और जो मदद मदती ने हम उन्हें मदद कर सकते हैं और जब चेलों ने इन बातों को यीशु से सुना उन्होंने क्या कहा होगा उन्होंने कहा होगा शायद यीशु हमारे पास भी कुछ नहीं Nothing is in our hands. हमारे हाथों में कुछ नहीं No silver. कोई चांदी नहीं If you ask Peter, he will say, No silver. अगर आप पत्रस से पूछेंगे तो कहेगा कि मेरे पास चांदी नहीं no सोना no नहीं Nothing is there. कुछ भी नहीं Already we are helpless. और हमारे हमारे मदद के लिए कोई नहीं Already we don't have anything. हमारे पास कुछ नहीं we are helpless. हमारे पास कोई मदद करने को नहीं How can you tell them? तो तू हम हमसे कैसे कह सकता कि मदद करो और मनुष्य की दृष्टि में आप बेमदद हो सकते हैं और आपके खुद की दृष्टि में भी But God is going to bless you, लेकिन प्रभु आपको आशीष करने वाले You will be the channel of blessing for many, और आशीष का श्रोता बन जाओगे You will be the helpline for the people, और लोगों के लिए मदद का एक रास्ता बन जाओगे Do you believe the Lord will use you, क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु आपको उपयोग में लाएगा चाहे शिष्यों के जैसे आपके पास कुछ नहीं तो यू आर हेल्पलेस लाइक दैट पीपल और उन लोगों के जैसे आपके पास भी मदद नहीं बिलीव दिस ईयर यू विल बी अ हेल्प फॉर द पीपल लेकिन विश्वास करो कि इस वर्ष में आप लोगों के लिए आशीष बनोगे प्रेज द लॉर्ड The impossible things the Lord is trying to make it possible through you. और असंभव बातों को परमेश्वर आपके द्वारा संभव करेगा. Only you believe. सिर्फ आप विश्वास करो. Only you believe the Lord. सिर्फ आप प्रभु पर विश्वास करो. Believe the Lord is with you. विश्वास करो कि प्रभु आपके साथ है. Hallelujah. 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 The Lord is telling why you are telling me now. और प्रभु कहता है कि अब तू मुझसे क्यों कहता है? Why should I send the baby? मैं उन्हें क्यों वापस भेज दूँ? You can feed them. आप उन्हें खिला सकते हो. You can feed them. आप उन्हें खिला सकते हो. You can help them. और आप उन्हें मदद कर सकते हैं शिष्य ने देखा कि उनके हाथों में कुछ नहीं But Jesus saw everything there. लेकिन यीशु ने देखा कि सब कुछ है you may see nothing is in your hands, आप देखोगे कि हाथों में कुछ नहीं But Jesus is seeing you, you have everything, लेकिन यीशु देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है Hallelujah. In chapter 6 verse 37 maybe मरकुस 6 के 37 में हम पढ़ते हैं See there is somebody always update about the finances और कुछ लोग हैं जो हमेशा आर्थिक के बारे में सोचते हैं And one of the disciple came to Jesus एक शिष्य यीशु मसीह के पास आया था how many penny how much money do you have और कितना धन हमारे पास है how much money do you have हमारे पास कितना पैसे है He was telling Lord we are only 200
और हमारे पास 200 है हमारे पास कितने हैं अगर हमारे पैसे के हिसाब से हम कहेंगे कि 200 रुपए हैं तो 200 रुपए से हम 20,000 लोगों कैसे खिला सकते हैं और वो ये देख रहा था कि जो उसके पास था वो कुछ भी नहीं और जो उसके पास था वो बहुत कम था ऐसे उसने देखा हिंदू लोग कह सकते कि जो मेरे पास है उसे मैं नहीं देखता शायद वो मेरे लिए कम हो लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि तू पूरा है मेरे लिए। Praise the Lord. I am not looking this 200 rupees, sir. मैं 200 रुपए को नहीं देखता। I am not looking this 200 pennies, sir. मैं 200 रुपए को नहीं देखता। I am looking you, Lord. मैं तुझे देखता हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Lord told. Lord. और प्रभु ने कहा। Lord told. प्रभु ने कहा। Keep your money away there. आप अपने पैसे को अलग रखो। I don't want your penny, sir. मैं आपके पैसे को नहीं चाहता। मैं आपका एक रुपया भी नहीं चाहता। Without your penny, I can feed these people. और आपके धन के बिना भी मैं इन्हें खिला सकता हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। हम ऐसे without our money, the Lord can help us. कितने लोग कह सकते हैं हमारे धन के बिना भी प्रभु मदद कर सकता है। Without our money also, the Lord can do something. हमारे पैसों के बिना भी परमेश्वर कुछ कर सकता है। It is possible with the Lord. वो प्रभु से संभव है। Do you think all these people were fed with these 2,000 pennies? क्या आप सोचते हैं कि 200 रुपए के साथ सबको खिलाया गया? Not even one penny spent for these people. और इसमें से एक रुपया भी नहीं खर्च किया गया। Out of 200, even one is not spent. और 200 में से एक का भी खर्च नहीं हुआ। Praise the Lord. Hallelujah. 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 God is not looking your money. God is looking your faith. परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। God is looking your commitment in the spiritual life. और परमेश्वर ने जो आप में जो विश्वास है उसे देखता है। God is looking whether you are depending on him or not. वो देखता है कि क्या आप उस पर निर्भर है या नहीं। Don't depend what you have. जो आपके पास है उस पर आप निर्भर मत रहो। Lord, I depend on you. कितने लोग कहेंगे प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूँ। You are able, Lord. तू बहुत है। This 200 money is not able. और ये 200 धन मेरे लिए कुछ भी नहीं। This 200 penny is not able. और ये 200 दिनार कुछ नहीं। But you are able to do great things. लेकिन तू अद्भुत करने के लिए योग्य है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. This morning we look the Lord for everything. इस सुबह हम प्रभु को हर बात में देखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. हम हर बातों के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं। अगले वचन में हम पढ़ते हैं। In the next words, what we read, अगले वचन में क्या पढ़ते हैं? In verse 37, the Lord told, और 37 वचन में प्रभु ने कहा, you feed the people, आप लोगों को खिलाओ। And the disciple told, we have only how much money? 200 pennies. और शिष्य ने कहा कि हमारे पास 200 दिनार है। But the Lord told the disciples, लेकिन प्रभु ने शिष्यों से कहा, you go to the crowd, आप भीड़ के पास जाओ। आप भीड़ के पास जाओ and search what they have. और ढूंढो कि उनके पास क्या है। You search what they have. आप ढूंढो कि उनके पास क्या है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now one small assignment Jesus gave to the disciples. और एक छोटा सा काम परमेश्वर ने उन शिष्यों को दिया। What was the responsibility Jesus gave? और क्या जिम्मेदारी परमेश्वर ने उनको दिया? They must go in the crowd. कि उनको भीड़ में जाना है। They must search if somebody is having anything. और ढूंढने की किसी के पास कुछ है या नहीं। Praise the Lord. क्या तेरे पास कुछ है? और उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं लाया। और दूसरा जवान व्यक्ति और यूहन्ना ने पूछा, क्या तेरे पास कुछ है? उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं। Nothing. और सब ने कहा कि कुछ भी नहीं। There were some people, लेकिन कुछ लोग थे, they had some food, उनके पास कुछ भोजन but थे, they were hiding, लेकिन उनके पास वो छुपाए रखे। They did not like to take it out, वो उसे बाहर निकालने के लिए पसंद नहीं किए, because they were thinking about their own needs, क्योंकि उनके जरूरत के बारे में सोच रहे थे। They were not willing to bring it out, वो उसे बाहर लाने के लिए इच्छुक नहीं थे। But you see the heart of this small boy, लेकिन इस छोटे बालक का
दिल को देखो यूहन्ना के छठे वचन और पत्रस का भाई अंद्रे ने उस छोटे लड़के को देखा उस छोटे लड़के के पास पांच रोटी और दो मछली थे सिर्फ इस लड़के ने कुछ भी छुपाया नहीं उसने अपने हाथ को उठाया और कहा कि मेरे पास इतना है मेरे पास इतने रोटी और मछलियां हैं प्रभु की स्तुति हो इतने लोग कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता मैं तेरे सामने कुछ छुपाना नहीं चाहता मैं उसे तेरे लिए बाहर निकालना चाहता हूँ मेरे पास जो आशीष है जो मेरे पास है मैं उसे तेरी महिमा के लिए बाहर निकालना चाहता हूँ क्योंकि उस लड़के ने उसे बाहर लाया उस दिन में वो हीरो जैसा बन गया प्रभु ने उसे हीरो जैसे बनाया और सब लोग को खाना खिलाया गया उस लड़के के कारण और शिष्य ने क्या कहा सिर्फ पांच रोटी और दो मछली बट दिस व्हाट वी कैन डू इससे हम क्या कर सकते दिस इज ओनली स्मॉल थिंग्स ये एक छोटी बात है दिस इज ओनली स्मॉल और ये तो छोटी बात है वी आर गॉड्स चिल्ड्रन और जो छोटी चीज है उसे परमेश्वर उपयोग में लाएगा बार बार पढ़ते छोटी चीजों का ज्यादा महत्व है आपके छोटे वरदान आपके छोटे भेंट सारी छोटे चीजों को परमेश्वर उपयोग में लाएगा क्या आप विश्वास करते परमेश्वर उपयोग में ला सकते हैं आपके पास छोटा रकम हो सकता है या थोड़ा बल हो सकता है या छोटी जगह हो सकती है लेकिन प्रभु उसे अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाएगा हालेलुया वैसे प्रभु ने उपयोग में लाया था और छोटी पत्थर को परमेश्वर ने उपयोग में लाया और छोटी छड़ी को उपयोग में लाया छोटी चीजों को आपके जीवन में उपयोग में लाएगा स्मॉल अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट और आपके बैंक में छोटा रखूं प्रभु से आशीष करेगा हालेलुया 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 फिर हम पढ़ते हैं और उस रोटी के साथ यीशु ने क्या किया यीशु ने क्या किया And 38 and 40 we read. और मरकुस 6 के 38 और 39 वचन. Even in verse 40 if you read. अगर 40 वचन को अगर आप पढ़े. Hallelujah. Amen. Make the disciples to sit. और आप शिष्य को बैठने को कहो. Make the verse 39 and 40. Make the disciples to sit. और 39 और 40 वचन उन लोगों को आप बिठाओ. Hallelujah. There were grass in the wilderness. और उस मरुभूमि में घास थे. Is it there in the words there were grass in the wilderness? क्या वचन में लिखा कि मरुभूमि में घास था? Jesus told them, "Amen." Sit on that grass. और यीशु ने कहा कि उन्हें घास पर बैठाओ। और आपके मरुभूमि में परमेश्वर के पास कुछ घास है। That is what is grace, sir. और वही उसका अनुग्रह है। Oh, that is what is grace, sir. वही उसका अनुग्रह है। Even in your desert, the Lord is having little grace for you. आपके मरुभूमि में परमेश्वर के पास कुछ घास और अनुग्रह है। Lord, thank you for that grass, sir. धन्यवाद प्रभु उस घास के लिए। Lord, thank you for your grace, sir. धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए। The Lord has not प्रभु ने आपको नीचे नहीं किया प्रभु ने आपको जमीन पर नहीं रखा प्रभु ने घास पर रखा जो उसका अनुग्रह है धन्यवाद प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है मुझे नीचे नहीं रखने वाला और मैं नीचे फेंका नहीं चाहता तू मेरे जीवन को घास पर रखता Your grace is sufficient for me, तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है Praise the Lord. वो सब नीचे बैठ गए और One line 50 people. और एक लाइन में 50 लोग. Another line 100 people. दूसरे लाइन में 100 लोग. Jesus told them to sit in the line. और यीशु ने लाइन पर बैठने को कहा. Why Jesus told? और ऐसा क्यों यीशु ने कहा? Jesus told let the crowd stand. अगर यीशु ने कहा कि खड़े रहने दो. You two, 12 people, you
give the food for them. और 12 लोग आप जाकर खाना बांटो. What will happen? तो क्या होगा? What will happen? तो क्या होगा? If you go to the village side. अगर आप गांव के और जाएं. और आपका 2 hours, 3 hours one bus will come. दो या तीन घंटे के बाद एक बस आता है. 2-3 hours people are waiting for one bus. और दो तीन घंटों तक लोग एक बस के लिए रुकते हैं. When the bus is reaching that bus stand. और जब वो बस bus stand में पहुंचता है. What they will do? तो वो क्या करेंगे? Crowd is there. जो भीड़ है. और कोई अपने टॉवेल या कोई थैली को अंदर फेंक देंगे और वो अंदर खोदने को देखेंगे और जो द्वार छोटा है लेकिन एक ही बस के द्वार के अंदर से 100 लोग कोशिश करके जाने को और इस बात को यीशु जानते थे. अगर ये 12 शिष्य भोजन देते हैं और 20,000 लोग उनके ऊपर आ जाएंगे और सब उन्हें धकेल कर फेंक देंगे और आधे घंटे में 12 शिष्य को शायद मार दिया जाएगा और सब उनके पैरों के नीचे दब जाएंगे. और कितने लोग कहते कि परमेश्वर का अपने लोगों के बारे में सोच विचार और कितना महत्व रखता है. अपने दासों के बारे में ज्यादा महत्व रखता है. हालेलुया. और अपने दासों के बारे में ज्यादा महत्व रखता है. उनकी सुरक्षा के बारे में महत्व रखता है. उनके बेहतर भविष्य के बारे में. तो वो धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद प्रभु. परमेश्वर का लोगों के ऊपर दया है. और उसी समय परमेश्वर अपने दासों के ऊपर ध्यान और महत्व रखता है. और ये एक परमेश्वर की योजना है. कम से कम लाइन से 50 लोग को होना है. Maybe small church. शायद छोटी कलीसिया हो. The Lord wants to see at least 50 or 100. लेकिन परमेश्वर 50 या 100 को देखना चाहता है. हमने से even in the small church. और छोटी कलीसिया में भी. The Lord wants to see at least 50 or 100. परमेश्वर 50 या 100 को देखना चाहता है. Hallelujah. 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 Chapter 6. फिर हम छठे अध्याय में पढ़ते हैं. उसके 41 वचन में. What the Lord did in verse 41. उस वचन में यीशु ने क्या किया? Jesus just took the bread from that boy. यीशु ने उस लड़के से उस रोटी को लिया. He is taking what the boy was having. और जो रोटी उस लड़के के पास था उसे लिया. If you want blessing. अगर आज आपको आशीष चाहिए. If you want to be a blessing. अगर आप आशीष बनना चाहते हो. God is going to take something what you have. जो आपके पास है प्रभु शायद उसे लेना चाहेगा. What you have the Lord is going to remove. जो आपके पास है उसे प्रभु निकालेगा. Are you ready to leave? क्या आप उसे प्रभु के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप ऐसे कहने को तैयार है कि परमेश्वर तेरी योजना पूरा हो? जो मेरे पास है उसे तो ले ले. और हाथ उठाकर कहो कि प्रभु जो मेरे पास है उसे ले ले. और मैं तैयार हूँ उसे ले ले. कोई समस्या नहीं. उस लड़के ने उसे यीशु मसीह के हाथ में छोड़ दिया. यीशु ने उसे लिया. Now as long as that bread and fish were in that boy's hand. और जब तक वो रोटी और मछली उस लड़के के हाथ में थे. It was all amen like that simply. वो सिर्फ ऐसा पड़ा था. But when it is coming in the Lord's hand. लेकिन जब वो यीशु के हाथ में आया. Oh the blessing came. उसमें आशीष आया. Oh the miracle. एक अद्भुत चमत्कार हो. आपको प्रभु के हाथों में आना है. आपका परिवार को परमेश्वर के हाथों में आना है. और बच्चे आपको परमेश्वर के हाथों में आना है. जब तक आप प्रभु के हाथों में नहीं आए. और कोई बदलाव तो आप आपके जीवन में देख नहीं पाओगे. और यीशु ने रोटी और मछली को अपने हाथ में लिया. कितने लोग कहते हैं कि मैं तेरे हाथों में आया हूँ प्रभु. और प्रभु से कहो कि मैं पूरी तौर से तेरे हाथों में आया हूँ. मैं 100% तेरे हाथों में आया हूँ. फिर आप चमत्कार का अपेक्षा कर सकते हैं. फिर आप बेहतर भविष्य का अपेक्षा कर सकते हैं. फिर आप अपेक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरे होते हुए. और फिर हम पढ़ते हैं 41 वचन में. We read
lifted up his eyes. उसने अपने आँखों को उठाया. But not only he lifted up his eyes. और सिर्फ आँखों को उठाया नहीं. We can say he lifted up that bread also. और हम कह सकते हैं रोटियों के भी उसने उठाया. No, it is not written. और ऐसा लिखा नहीं फिर भी. Not only he took it. सिर्फ उसे लिया नहीं. He lifted up hallelujah that bread and fish. उसे स्वर्ग की ओर उठाया. When you come in the Lord's hand. जब आप प्रभु के हाथों में आते हो. Say Lord hallelujah you will lift me up. कहो कि प्रभु तू मुझे ऊंचा करेगा. When your family is coming in the Lord's hand. जब आपका परिवार परमेश्वर के हाथों में आता है. Lord will lift your family up. तो प्रभु आपके परिवार को ऊपर उठाएगा. Today this year the Lord is going to lift your family up. इस वर्ष परमेश्वर आपके परिवार को ऊपर उठाएगा. The Lord is going to lift your life up. मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर आपके जीवन को ऊपर उठाएगा. More than you think. आपके सोचने से बढ़कर. More than you expect. आपकी अपेक्षा से बढ़कर. Lord will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा. Hallelujah. 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 And then we read. फिर हम पढ़ते हैं. After lifting up. उसे ऊपर उठाने के बाद उसने उस रोटी को आशीष दी. उस रोटी को आशीष दी. Blessing is coming. और वहाँ आशीष आता है. When you are in the Lord's hand. जब आप प्रभु के हाथों में है. Blessing is coming from the Lord. आशीष प्रभु की ओर से आता है. Say the Lord will bless me. कहो कि प्रभु मुझे आशीष करेगा. I am in the Lord's hand. जब आप Say I am in the Lord's hand. कहो कि मैं प्रभु के हाथ में हूँ. Lord will bless me. प्रभु मुझे आशीष करेगा. प्रभु मुझे आशीष करेगा. Lord bless the bread and fish. प्रभु ने रोटी और मछली को आशीष किया. After that something is going to happen. उसके बाद कुछ होने वाला है. After blessing only. आशीष के बाद ही. What Jesus did. यीशु ने क्या किया. What Jesus did. यीशु ने क्या किया. He broke that bread. उसने उस रोटी को थोड़ा. He broke the bread. उस रोटी को थोड़ा. You see, hallelujah, amen, sir, when you are coming in the Lord's hand. और जब आप प्रभु के हाथों में आते हो. There is always blessing. हमेशा आशीष तो है. There is always the Lord is exalted. परमेश्वर हमेशा ऊंचा उठाता है. The Lord will break you. लेकिन प्रभु आपको तोड़ेगा. The Lord will break you more. प्रभु और अधिक आपको तोड़ेगा. The Lord will break you more. क्योंकि प्रभु मुझे और तोड़ेगा. Are you willing to be broken more? क्या आप टूटे जाने के लिए तैयार हैं? Hallelujah, say Lord, I am now willing to be broken. क्योंकि हाँ प्रभु मैं टूटे जाने के लिए तैयार हूँ. Hallelujah, dear God, sure. प्रिय परमेश्वर की बच्चे. After the bread was broken only. जब उस रोटी को थोड़ा गया फिर. The bread became blessing for thousands of people. वो रोटी हजारों के लिए आशीष बना. Before the bread was broken. उस रोटी को थोड़े जाने के पहले. It was not a blessing for the people. वो लोगों के लिए आशीष नहीं बना. Hallelujah. 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 After the bread was broken. लेकिन जब उस रोटी को थोड़ा गया. Oh, the thousands of people are blessed through that. हजारों लोग उससे आशीष पाए. God is breaking your life. प्रभु आपके जीवन को तोड़ता है. God is breaking your life. प्रभु आपके जीवन को तोड़ता है. With a purpose. एक योजना से. Say with a purpose. कहो कि एक योजना से. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord is breaking you more. जब प्रभु आपको और तोड़ता है. God is making you a blessing for thousands. प्रभु आपको हजारों के लिए आशीष बनाता है. I will be a blessing. कहो कि मैं आशीष बनूंगा. और पहले से मैं टूटा गया. If you know already you are broken. अगर आप जानते कि आप पहले से टूटे गए. Yes, hallelujah. Amen. Say already I am broken. कहो कि मैं पहले से टूटा गया. Already the Lord has broken. कहो कि मुझे पहले से प्रभु ने तोड़ दिया. If you are already broken, just lift your hand. Yes, Lord, I am already broken. अगर आप पहले से टूटे हो तो कहो कि मैं मुझे प्रभु ने पहले से तोड़ा है. And the Lord is ready to use you. और अब प्रभु आपको उपयोग में लाने के लिए तैयार है. If you are not broken. अगर आप अब तक नहीं टूटे हैं. आज हाथ लगाकर प्रभु से कहो. Lord, you break. प्रभु तू मुझे तोड़. You break more. तू मुझे और अधिक तोड़. और जितना तोड़ना है उतना तोड़. और जिस मार्ग से तू तोड़ना चाहते उसे तोड़ दे. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. प्रभु आपको तोड़ता है तो शायद आपके जीवन में दर्द होगा. You may not be pleased when the Lord is breaking. और आप खुश नहीं होंगे जब प्रभु आपको तोड़ेगा. But you will be a blessing. लेकिन आप आशीष बनोगे. हालेलुया. 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 Now the Lord is doing. और अब यीशु क्या कहे. What did the Lord do? और प्रभु ने क्या किया. He gave to the disciples back. उसने उसे शिष्यों के पास वापस लौटाया. Jesus took. यीशु ने लिया. He lifted up. उसे ऊपर उठाया. And he blessed. और आशीष किया. तोड़ा और उसे दे दिया. Jesus take. और कहो कि यीशु ने लिया. He is giving back. और वापस देता. Jesus is taking from me. यीशु मुझसे लेता है. Whatever he is taking from me. और जो कुछ मुझसे लेता है. He is giving me back. और मुझे वापस लौटाता है. If Lord is taking you 1,000 rupees. अगर आपसे 1,000 rupees ले लेता. If you are allowing to take 1,000 rupees from me. अगर आप अनुमति दे 1,000 rupees लेने को. Hallelujah. Say hallelujah. कहो हालेलुया. Because he is going to give you. क्योंकि वो आपको लौटाएगा. The Lord has taken it.
और आप जानते यीशु ने लिया उसे बहुत अच्छे से लौटाएगा हालेलुया उसे वापस लौटाएगा और शिष्यों से कहा अब उसे आप बांट लो उसे बांट लो और जब रोटी यीशु के हाथ में थे जब मछलियां यीशु के हाथ में थे और उसका दुगना नहीं हुआ और वो गिनती में ज्यादा नहीं हुआ उसे कहा किया गया जब वो शिष्य के हाथ में था वो रोटी बहुत बन गया और यीशु चाहे कि सारा महिमा आपको दे आपको दे दे उन्होंने सिर्फ पांच रोटियां को लिया लेकिन उनके हाथों में चमत्कार होने लगा और आप अपने हाथों को उठाओ धन्यवाद मेरे हाथ के लिए तो इस हाथ से अद्भुत करेगा तो इस हाथ से अद्भुत करेगा तो इस हाथ के द्वारा काम करेगा अगर आप विश्वास करते हो दोनों हाथ को भी उठा सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों में विश्वास करता हूँ तो इन हाथों से काम करेगा हालेलुया जब रोटी शिष्य के हाथ में आया एक अद्भुत हुआ एक सामर्थ्य प्रकट हुआ और मछलियां बढ़ गए और शायद पहली बार पत्रस हमेशा बात करता सिर्फ दो मछलियां थी इसलिए सिर्फ पांच रोटियां थी जब वो पहली बार दिया उसने क्या कहा होगा आप थोड़ा ले लो आप कृपया करके थोड़ा ले लो और एक छोटा पीस ले लो और शायद का एक छोटा टुकड़ा ले लो लेकिन जब वो छोटा टुकड़ा लिया गया जब वो छोटा पीस को उठाया गया वो बढ़ने लगा हालेलुया धन्यवाद प्रभु आपके आशीष को परमेश्वर बढ़ाएगा इस वर्ष परमेश्वर आशीष को बढ़ाएगा हम सब खड़े होकर प्रभु को